मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल से के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, ये जो आज का टॉपिक है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा IAS व विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक आम व्यक्ति के लिए भी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, दो मुद्दे जो है वो हर सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है कि मनुष्य ने जो विकास की दौड़ में जो है वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर दिया है और एक प्रकार की जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। और इसी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान जो है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यदि हम भारत की पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में विविध प्रकार के पारिस्थितिकी और भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। पारिस्थितिकी मतलब विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे जलीय है, थलीय है, इस तरीके से। और भौगोलिक दशाएं यदि देखें तो यहाँ पे उत्तर भारत में देखें तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश है, तो इस तरीके से अलग अलग भौगोलिक दशाएं देखने को मिलती है। और अलग अलग भौगोलिक दशाएं होने के कारण पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। संसार में पौधों की लगभग 250,000 ज्ञात प्रजातियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 250,000 या उससे अधिक पौधों की प्रजातियां हैं और इसमें से लगभग 15,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। विश्व में कितनी? 250,000। विश्व में लगभग 250,000 प्रजातियां और उसमें से भारत में कितनी? भारत में लगभग 15,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार संसार के जीव जंतुओं में लगभग 75,00,000 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में जीव जंतुओं की जीव जंतुओं की ये जो पढ़ी थी हमने पौधों की थी और इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं की। तो विश्व में लगभग 75,000 प्रजातियां 15,00,000 प्रजातियां विश्व में और उसमें से 75,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। तो देखो जैव विविधता का कितना बड़ा भंडार है भारत में। लगभग 15,000 प्रजातियां पौधों की पाई जाती है, तो 75,000 प्रजातियां जो है वो प्रजातियां जो है जीव जंतुओं की भारत में पाई जाती है। और लगभग 350 प्रकार के स्तनधारी पक्षी की बात करें तो स्तनधारी जीवों की बात करें तो 350 प्रकार के, पक्षियों की बात करें तो 1200 प्रजातियां, पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियां, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीव जो है लगभग 453 प्रजातियां और कीट जो है 50,000 प्रजाति के जो कीट हैं वो भारत में पाए जाते हैं। एक सरल सा क्वेश्चन यदि बन जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रजातियां किसकी पाई जाती है तो किसकी पाई जाती है कीटों की। अब बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की भोजन की आपूर्ति के लिए, रोजगार के लिए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण खाद्य एवं औद्योगिक कच्चे पदार्थों की भारी मांग के कारण भारत का वन आवरण भारी मात्रा में कम हो गया है। भारत का वन आवरण जो है धीरे धीरे कम होते चला गया। जो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो 1952 में बनी थी और उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो मैदानी प्रदेश है उसका 20% और पर्वतीय पठारी प्रदेश है तो उसका 60% भाग में वन होना अति आवश्यक
है। लेकिन भारत में यदि हम देखें तो जो वनों के वन राज्य वन रिपोर्ट आती है उसके अनुसार 21% के लगभग में भारत में वन है वर्तमान में, जबकि होना कितने चाहिए, कुल मिलाकर 33% लगभग होना चाहिए, तो बहुत ही कम है। और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वन आवरण हमारे देश में कम होते जा रहा है। सरल सा क्वेश्चन बन जाता है कि वन आवरण भारत में कम होने के क्या कारण है, क्या कारण है कि भारत में वन कम हो रहे हैं? तो बड़े सामान्य से कारण है औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण व तकनीकी विकास, जिसके कारण वन संसाधनों का दोहन बड़ी तीव्र गति से हुआ है। और यदि देखें तो कृषि, कृषि के लिए, कृषि के साथ साथ मानवीय बस्तियां, जहां उपजाऊ भूमि थी वह बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, मानवीय बस्तियां, सड़कें, खदानें, जलाशय आदि के लिए भी भूमि प्राप्त करने हेतु वनों को साफ किया जा रहा है। चारे के लिए ईंधन और इमारती लकड़ी, चारे के लिए इमारती लकड़ी की बात करें, ईंधन की बात करें, तो इन सभी के लिए वनों का निरंतर दोहन हो रहा है और वनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ते जा रहा है। पालतू पशुओं के लिए चारागाहों की बड़ी बढ़ती आवश्यकता वन्य जीवों तथा उनके आवास को क्षति पहुंचा रही है। इसी प्रकार जो राजे रजवाड़े थे, सम्भ्रांत परिवार है, इन्होंने वनों को क्या अपना क्रीड़ा स्थल बनाया था और जंगली जानवरों का शिकार वो एक के बाद एक करते चले गए। व्यापारिक महत्व के लिए भी पशुओं को मारा जा रहा है, जैसे हाथी के सिंह है, हाथी दांत है, हिरण या अन्य प्रकार के जीव जंतु जो है, शेर उसकी खाल के लिए, तो इस तरीके से व्यापारिक महत्व के लिए पशुओं को मारा जा रहा है। प्रतिवर्ष वनों में लगने वाली आग, ये बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, वन विनाश का महत्वपूर्ण कारक है वनों में लगने वाली आग। तो वनों में लगने वाली आग से भी वनों की और वन्य प्राणियों की हानि हो रही है और इस प्रकार से लाखों प्रजातियां जो है वो समाप्त हो रही है, समाप्त होने की कगार पर है। तो सरकार इसके लिए चिंतित है और इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से वन संरक्षण किया जाए, वन संरक्षण किया जाए। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कौन सा महत्वपूर्ण प्रयास है, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और इसमें संशोधन किया था 1988 में। तो यदि हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये एक्ट पारित किया गया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई, वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। विलुप्त होती प्रजाति के वर्ग में जानवरों की संख्याओं को बढ़ाने के लिए, जो जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें हम, प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ प्रजनन योजना, मगरमच्छ प्रजनन योजना, मगरमच्छ प्रजनन योजना 1975, मगरमच्छ प्रजनन योजना 1975। इसी प्रकार राइनोसारस प्रोजेक्ट 1987, राइनो गेंडा राइनोसारस प्रोजेक्ट 1987, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988, राइनोसारस 87,
राइनोसारस 1987 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से वन्य जीवों को जो विलुप्त प्राय वन्य जीव है उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। राष्ट्रीय उद्यान तो सरल सा क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो जैसा सरल क्वेश्चन है वैसे उसका सरल सा आंसर भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। और क्या शक्ति है इस अधिनियम को? तो यह अधिनियम किसी समृद्ध जैव विविधता, बड़ा अच्छे समझेंगे, लिखेंगे भी इसे, नोट भी करेंगे, यह अधिनियम किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। किसको देता है ये शक्ति? राज्यों को देता है। इस अधिनियम के तहत ये शक्ति किसको मिली है? राज्यों को मिली है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, यह अधिनियम किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। इसके तहत कुछ जो यदि किसी क्षेत्र विशेष को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो जंतुओं का शिकार, अधिवास, मानवीय गतिविधियां ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहती है। क्लियर एकदम? क्या क्या? जंतुओं का शिकार, अधिवास और मानवीय गतिविधियां इन क्षेत्रों में पूर्णतः प्रतिबंधित रहती है। हथियारों का प्रयोग इन क्षेत्रों में पूर्णतः वर्जित रहता है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान के अनुसार जो है वर्तमान तक 106 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं और 107वें राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भी की जा चुकी है। तो बड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है आज के लिए। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। तो इसे प्रारंभ में जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस उद्यान के नाम से? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल जो हमने पढ़ा था तब उसमें हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो आप अब समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। जिसने हमारी पहले की क्लास अटेंड किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्रजातियों में क्या क्या है? तो टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, तेंदुआ, बर्फ तेंदुआ शामिल है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। 11 राष्ट्रीय उद्यानों को हमें मध्य प्रदेश में पढ़ना है। इन उद्यानों में न केवल वन्य जीवों का संरक्षण होता है बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो मल्टीपर्पज उद्देश्य इसके, तो वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। साथ ही एक और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। सरल सा क्वेश्चन यदि एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों से क्या लाभ है, स्थानीय लोगों को क्या फायदा है उससे, तो ये सब स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आजीविका के
अवसर भी इससे प्राप्त होते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे हम। राष्ट्रीय उद्यानों की विशेषताएं देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास देखते हैं पहले। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में, इससे पहले स्लाइड में भी इसके बारे में पढ़ा था, 1936 में हुई थी। और इसका जो पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था और सर मेलकम ने अपने उपनाम के आधार पर इसका नाम रखा था। साल 1957 में 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अभी वर्तमान में भी इसका नाम बदला है, वर्तमान में नाम इसका फिर परिवर्तित कर दिया, क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने आज आप लोगों को, ठीक। सर 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, बड़ा चिंता का विषय था। और फिर 1972 में क्या आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, और इसके बाद में अलग अलग राज्यों में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करना शुरू कर दिया गया। तो अभी भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करते हैं, और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है, 1.35% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे, बराबर लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे मेरे साथ, जब तक लिखते रहेंगे तब तक ये काम का रहेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान का महत्व हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करते हैं, विलुप्त होने वाले प्रजातियों को बचाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी ये प्रदान करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं। राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं, तो राष्ट्रीय उद्यान सामान्यतः प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक विशाल क्षेत्र होता है जिसे सरकार स्थानीय व्यक्तियों और जीव जंतुओं, भूदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों, वैज्ञानिक महत्व के स्थानों के संरक्षण के लिए संरक्षित और अनुरक्षित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों बनाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान सामान्यतः प्राकृतिक और सौंदर्य से भरपूर एक विशाल क्षेत्र होता है और जिसे सरकार स्थानीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं, भूदृश्यों, ऐतिहासिक खदानों और वैज्ञानिक महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिए संरक्षित करती है। विश्राम और आनंद प्रदान, राष्ट्रीय उद्यान लोगों को विश्राम और आनंद प्रदान करते हैं। लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों में जंगली जीवों को उनके मूल निवास स्थानों में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखने की अनुमति है। और महत्वपूर्ण ये बातें लिखी हुई है, इसे नोट कर लेंगे। लेकिन क्या प्रतिबंधित है इसके ऊपर, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर खनन, शिकार, मछली पालन, आवास, ये सारी चीजें, या उसके अंदर हथियार लेकर जाना, ये सारी गतिविधियां जो होती है राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित रहती है। आगे हम देखें, राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा वन्य जीवों, आवासों, प्राकृतिक दुनिया को शोषण, मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाता है। ये जानवरों के रहने, प्रजनन के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महत्वपूर्ण है, 247 से अधिक प्रजाति के लुप्त प्राय या संकटग्रस्त पौधों और जानवरों को संरक्षण प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनेक देशी प्रजातियां पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े जीवित प्राणी विशालकाय सिकोइया वृक्ष, सबसे लंबी ज्ञात गुफा प्रणाली मैमोथ गुफा राष्ट्रीय उद्यान, अमेरिका की सबसे गहरी झील, कई अन्य अविश्वसनीय अन्य जीवन पर्यावरण,
सभी उनके द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। अब भारत के, वैसे तो हम पूरे 106 राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट में जो है वो पहले एक ब्रीफ में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। कुछ लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान का रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान का रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा किसली, पैंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार महाराष्ट्र का ताबूड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और किस अधिनियम के तहत कार्य करते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है, लेकिन आज ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। जब इस अधिनियम की घोषणा की गई थी तब ये जम्मू कश्मीर लागू नहीं था, लेकिन अभी पूरे भारत में लागू है। अब इस कानून से पहले भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली कि 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और केंद्र सरकार जो है वन्य जीव संरक्षण निदेशक और उसके अधीनस्थ सहायक निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन इसके लिए नियुक्ति करती है, तो केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। तो अब हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे और बिल्कुल इसे एक चीज है नोट करना है, एक एक चीज हमें नोट करना है, स्टेट वाइज नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं और इसमें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी नदी के तट पर है। फिर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे वर्तमान में रामेश्वरम के पास में है, ये रामेश्वरम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पीले गर्दन के बुलबुल के लिए मशहूर है। तो आंध्र प्रदेश के कौन से, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है ये, और यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण, यहां इसका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर सिक्किम की सीमा पर स्थित है। तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मूल जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन मणिपुर और सिक्किम की सीमा पर, सीमा इससे टच होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, अक्सर पीएससी जो है अब ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो फिर एक है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान या माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से नाम पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे, तो दो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा और माउलिंग। अब असम जो है ये राष्ट्रीय उद्यानों की दृष्टिकोण से बड़ा संपन्न है, और असम के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, असम के 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए रहेंगे और उसमें बोले पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए रिजर्व घोषित कौन सा है, देहिंग पटकोई कहां पर है, ये आसाम में है, डिब्रूगढ़। फिर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आसाम का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये सबसे ज्यादा गेंडे यहां पर पाए जाते हैं। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए। बड़ा सरल सा क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, आसाम में, काय के लिए प्रसिद्ध है, ये गेंडे के लिए है। और किस रूप में घोषित किया गया, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है, यूनेस्को द्वारा इसे
विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा इसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आसाम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बड़े फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा नामेरी ओरंग आदि राष्ट्रीय उद्यान जो है, नामेरी ओरंग रायमोना, रायमोना एक राष्ट्रीय उद्यान यहां पर रायमोना भी है, रायमोना रायमोना ठीक, ये भी राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है, नोट करेंगे इसे। फिर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है कभी कभी तो लोगों को लगता है कि यहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, लेकिन वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये MPPSC द्वारा पूछा गया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ चूंकि ये पहले मध्य प्रदेश में ही शामिल था, लेकिन 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया है। ये राज्य भी जो है वन प्रदेश की दृष्टिकोण से एकदम संपन्न राज्य है। यहाँ के यदि हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीन जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बड़े महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीरथगढ़ झरने के लिए मशहूर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा झरना? तीरथगढ़ झरना। छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सरल सा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, उसमें तीन छत्तीसगढ़ के दिए रहेंगे और एक किसी अन्य स्टेट का डाल देंगे और क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकता है। इसी प्रकार गोवा की बात करें तो गोवा में मोललेम राष्ट्रीय उद्यान, गोवा की बात कर रहे हैं, मोललेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। एक और महावीर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान इसे भी याद करेंगे, महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? गोवा में, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, मोलले महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? गोवा में। नोट भी करते चलेंगे मेरे साथ साथ, यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो उसे पॉज करके हम नोट करें उसके बाद देखते चलें। अब हम देखते हैं गुजरात की बात करें, गुजरात तो गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान बड़ा महत्वपूर्ण एकदम, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर या जिसे बब्बर शेर कहते हैं, बब्बर शेर के लिए कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान तो ये जो बेट द्वारका जिसे कहते हैं, 42 द्वीप छोटे छोटे द्वीपों में फैला हुआ है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये कच्छ की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये प्री के दृष्टिकोण से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक मीन्स काला हिरण, तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है जिसे चिंकारा कहते हैं, यहाँ का गुजरात का राज्य पशु भी है ये, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। अब हम जाते हैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वन नहीं है तो राष्ट्रीय उद्यान भी कमी होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान। अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह भी बड़ा संपन्न, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश यदि हम बात करें तो यहां पर भी बड़े राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, और 2014 में इसे भी राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है व्यास नदी के तट पर। देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तो ये किस नदी के तट पर? व्यास नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर। इस प्रकार इंदिर किला राष्ट्रीय उद्यान, इंदिर किला राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहां पर है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी बड़ा फेमस है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये किस जानवर के लिए है, किस जीवों के लिए है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बड़े फेमस जीव इसमें है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो ध्रुवीय भालू, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, एमपीपीएससी का, आईएएस का, यूपीएससी का, बड़ा